स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता था कुछ ऐसी चीजें सामने आती थी पढ़ते पढ़ते कि पता नहीं मैं रोना आना शुरू हो जाता था और मैं रोना शुरू हो जाता कैफियत तारी हो जाती आपके ऊपर उस तरह की एक फीलिंग होती थी कि क्या हुआ था क्या हुआ है कैप्टन फारूक के उसको जब फील करके उसे मैंने जिया अगर कोई लड़की आपके पास आए और मोहब्बत का इजहार करे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे कि बहुत शुक्रिया जी सलामत रहे आप आबाद रहे

एंड उस वक्त जो उनके चेहरे पे कश्मकश और परेशानी होती है कि मैं अपने बॉस से मिलने जा रहा हूँ लाइक यार ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इतना छोटा सा यू नो सीन है बट कितना इम्पैक्टफुल है कि मैंने फ़ौरन पकड़ लिया मैंने उसी वक्त सर्च किया पहली एपिसोड थी तला चौहर को ढूंढा मैंने और उनको मैसेज किया कि आई लव योर परफॉर्मेंस और उधर से ही उनसे बातचीत स्टार्ट हुई आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अगर मैं उनकी कहानी देखूं तो लगता है जैसे कोई ख्वाब सा यू नो सच हो गया है कि पहला डेब्यू ड्रामा है और वो इतनी उनकी परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है लेकिन अगर आपको पता चले तो 400 सौ परफॉर्मेंसेज़ हैं उनके पीछे थिएटर की जिसने उनको इस जगह तक पहुंचाया है और जो आज हम उनकी ख़ूबसूरत और इतनी ज़बरदस्त अदाकारी देख रहे हैं इतनी खूबसूरत ख़ूबसूरती कहना चाहिए था बेहतर वर्ड यूज़ करना चाहिए था ना कान का मैदे तो देख रहे हैं तो उसके पीछे एक पूरा सफ़र है तो आज मुलाकात करते हैं तला चौहर से

और इसमें भी कोई अल्लाह की भलाई और बिल्कुल ऐसे अच्छा मुझे बताएं माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी अप्रिसिएशन है आपके काम की जो आप अभी जो बिछड़ गए मैं आपका कैरेक्टर है कैप्टन फरूख़ का हर कोई मोहब्बत कर रहा है हर कोई उसको अप्रीशिएट कर रहा है एक भी नेगेटिव कॉमेंट मैंने नहीं देखा नॉट अ सिंगल और कितनी तेरह एपिसोड आ चुकी हैं अब तक 13, बिल्कुल राइट तो तेरह एपिसोड तक भी किसी रिव्यूअर से भी मैंने उड़ते उड़ते भी नहीं सुनी नेगेटिव बात कैसा फील होता है और मुझे ना मुझे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए उन्हें, उन्हें के <laughs> मुझे ये मुझे वा तो तो हो होता है कि मैं कोई भी अगर काम करूँ इवन की थिएटर लाइफ में भी करता था तो हमें सिखाया भी जाता था वर्कशॉप में अपने अपना बेस्ट देना अपना अच्छा देना तो जब ये मैं करेक्टर कर रहा था तो मैंने कहा था कि अपना अच्छा देंगे Hmm. बाकी मैंने अल्लाह पर छोड़ा था yeah. और अल्लाह बड़े का बड़ा काइंड है कि hmm. उसने मैंने भी भी वही देखा है कि मुझे अभी तक तो कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया तो ये सारा खुदा का गर्व hmm. तो मैंने उसी उन्हीं के ऊपर फेंका था जब मैं कर भी रहा था तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह hmm. का गर्व हुआ है मुझे बड़े ही खूबसूरत जब वो मैसेजेस आते हैं तो कई दफ़ा ना मेरी आँख भी बदल गई जिस तरह भर नहीं आती और ऐसे ऐसे क्यूट और अच्छे अच्छे वो मैसेज कर रहे होते हैं और फिर बस मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और एक एक को मेरी आदत है कि मैं सबको रिप्लाई देता हूँ okay. और आ, 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 किसी का भी जो भी मैसेज आता है उसको मैं पढ़ता हूँ फिर कईयों के वॉइस नोट्स आते हैं उन्हें मैं सुनता हूँ और आ, बस अलहमदिल्ला अच्छा जब पहली एपिसोड एयर ऑन एयर गई उसकी आई थिंक विद इन फ्यू आवर्स आपको आना शुरू हो गए थे मुझे आ गए थे राइट क्योंकि जब वो एपिसोड ऑन एयर होनी थी अब मेरा ये था कि मैं मैं सुकून में था कि मैंने मेहनत की है और मैंने खुदा पे रखा था भरोसा अल्लाह पर कि जो होगा वो देखी जाएगी हाँ। लेकिन मैंने अल्लाह पे बस ये कहा था कि अल्लाह भी मैं मेहनत करूंगा हाँ। तो आप मेरी इज़्ज़त ज़रूर रखिएगा क्योंकि आप इज़्ज़त वाले और अब कर्म करने वाले हैं तो वही हुआ मेरे साथ और अल्लाह ने नेत रख ली है अलहमद ला जब आप सोचते हैं कि एक चीज़ अच्छी होगी लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कोई चीज़ अच्छी हो जाए तो आपको ऑब्वियसली खुशी होती है बड़ी खुशी होती है, है। और मेरे साथ वही था मैंने सोचा था कि अलहमदिल्ला अच्छा जाएगा अल्लाह खैर करे लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इतना हट के और लोग तारीफ़ करेंगे जिस तरह आप देखें कि अब, अब मैं कुछ नहीं हूँ आई एम नथिंग लेकिन लोगों ने दिलीप साहब से और वहीद मुराद साहब से मतलब ऐसे लजेंडरी लोगों के साथ मिलाया मैंने कभी नहीं सोचा था

और लेकिन जब वो चीज़ें आना शुरू हुई दिन मैंने वो आपका खोला सर्च किया तो मुझे पता लगा कि बच्चे ये पूरा सिस्टम चला रहे हैं और यानी कि इंडस्ट्री का अच्छा खासा सिस्टम चला रहे हैं लोग तो फिर बड़ी खुशी हुई कि अलहमद ऐसे लोगों से जो कि पढ़े लिखे जिन्हें पता है ड्रामाज का और इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों का अगर वो तारीफ़ कर रहे हैं तो फिर होता है कि अच्छा यार मैंने कुछ कुछ बेहतर कर दिया है जो आपका कैरेक्टर है बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर है चेंज किया है उसने कुछ आपको कुछ मार्क्स छोड़े हैं वो तलहा जो ड्रामा शुरू होने से पहले थे और जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं क्या चेंज आया उनमें मैं आपको सच बताऊं तो मुझे आ, इस करेक्टर ने और स्क्रिप्ट ने काफ़ी डिस्टर्ब किया एक ऐसा अब टाइम था कि मेरा ना बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा था मतलब बैस मेरा होता था कि कमरे में हूँ भाई कमरे में ही रहूँ और वहाँ पर खाना खा रहा हूँ वहाँ पर सब कुछ हो रहा है ये दौरान मतलब कि ये ड्रामा जब ऑनर हो चुका है उसके दौरान भी क्योंकि वो एक ऐसा टाइम था वो जिस पे गुजरी है वो कहते हैं ना पंजाबी में कि जिस तन पे गुजरी वही तन जाने मतलब जिस पे गुजरती है वही जानता है तो ये वही बात है कि वो वो जो ट्रॉमा और वो जो टाइम उन लोगों ने गुजारा है और वो जो दुख अपनों को खो देना आपके सामने सब कुछ हो रहा है तो अगर आप उस चीज़ को फील करें तो आपकी नींदें उड़ जाए मैं ये मानता हूँ तो मैंने वो जो फारुख़ साहब का जो करेक्टर है मैंने उसको फील किया okay. जब आप किसी चीज़ को दिलो जान से फील करते हो तो वो आपके ऊपर गहरे असरा छोड़ता है और मेरी थिएटर की जिंदगी में भी इस तरह था कि जब मैं कोई थिएटर का कोई शोज होते थे जब हम कोई कर रहे होते थे तो उस पर काफ़ी गहरा असर होता था लेकिन मैं अलहमदिल्ला निकल आता हूँ फिर मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देता हूँ और फिर मैं जिस तरह करेक्टर में आता हूँ उसी तरह वापस इतने इंटेंस और इतने थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग्स पढ़ के और चीज़ों को देख के कुछ ना कुछ इंसान के थॉट प्रोसेस में चेंज आता है या पर्सनालिटी में चेंज आया होगा कुछ आपको फील होता है आप अपने आप को थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं वो था जिसने वो पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ा था और वो था जो अब, अब लास्ट एपिसोड की मैं आपको अब एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता था कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती थी पढ़ते पढ़ते कि पता नहीं मैं रोना आना शुरू हो जाता था और मैं रोना शुरू हो जाता था अब अकेला बैठा होता था, था और मैं उसे पढ़ रहा होता था, था और आ, बस एक अजीब सी एक वो एक कैफियत तारी हो जाती आपके ऊपर उस तरह की एक फीलिंग होती थी कि क्या हुआ था क्या हुआ है और मैंने वो कैप्टन फ़रुख के आ, उसको जब फील करके उसे मैंने जिया क्योंकि मैं जब बाहर भी गुज़रता था और जाता था तो मैं ऐज़ अ फ़रुख़ बन के जाता था क्योंकि मेरी आदत होती है अगर मैं कोई भी करेक्टर कर रहा हूँ तो मैं उस करेक्टर के अंदर रहूँ okay. जितना ज़्यादा उसके अंदर रहूँगा उतनी ही बेहतर चीज़ निकलेगी yeah. और वही हुआ है yeah. और डिस्टर्बिंग uh, है लेकिन टाइम uh, के साथ सेट uh, हो जाएगा सब so, निकल आए अब कैप्टन फार से ऑलमोस्ट या नहीं नहीं अभी मेरा एक थोड़ा <laughs> बहुत जो रह गया वो डबिंग से रिलेटेड no. और जो नरेशन का है yeah. तो उसके बाद ज़रूर कोशिश करूँगा नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी आहिस्ता आहिस्ता आता ना अपने जहन में वो चीज़ें मेरे सवार थी उन्हें निकालने की अब कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता आस्ता आहिस्ता क्योंकि मैंने आगे भी मैं अपने आप को टाइम देता हूँ अपने, अपने आप को टाइम देता हूँ अकेला या मैं कहीं चला जाता हूँ और आ, कहीं आ, अकेले जाके बैठ गए और सुकून से अपने आप से बातें की अपने आप को टाइम दिया लोग अपने आप को टाइम नहीं देते और वो बस लगे रहते हैं ज़िंदगी की दौड़ में इससे मिल लो इससे मिल लो ये कर लो वो कर लो अपने लिए टाइम निकाल निकालें किसी चीज़ के लिए अपने लिए टाइम निकालें जरूर अपने से बातें करें yeah. तो बड़ा सुकून yeah. बंदे को मिलता है तो मैं वही करता हूँ आपने कहा कि बीच में एक टाइम था जब आप किसी से जैसे अभी भी कह रहे थे आपके शूट के दरमियान भी किसी से मिलते नहीं थे म, मेरा आप... दिल नहीं करता था बट इज इन लाइफ और आगे जाके भी अगर आप कैरेक्टर्स में इस तरह रहेंगे तो जिंदगी कैसे गुजारते हैं फिर एक्टर्स मैं वही देखें आर्टिस्ट का यही है कि जिंदगी वो ज्यादातर जीता लोगों के लिए अपने लिए बड़ा कम जीता है बस वो आता है और अपने वो काम करता है निभाता है फर्ज निभाता है और दुनिया से चला जाता है ये वही है ना कि वो लोगों के लिए जी रहा है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपने लिए भी वो आर्टिस्ट को जीना चाहिए hmm. अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए hmm. तो ये चीज़ है ओके okay. बिकॉज मुझे बड़ी बात सुन के मुझे बड़ी इंटरेस्ट हुआ था कि जिंदगी कैसे गुजरेगी फिर इस तरीके से की, की तो, तो अच्छा है ना कि पता नहीं कितने जाएंगे <laughs> <laughs> मतलब वो जैसे नहीं हुए तो <laughs> 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 आपकी वॉइस जो एक्सेंट है उस पर कुछ आपने ट्रेनिंग ली उसको चेंज करने की कोशिश की कैप्टन फरूख से मैच करने के लिए उस पर कुछ था मैंने किया मतलब कि मैं जब भी कोई करेक्टर करने लगता हूँ तो मैं उसकी प्रॉपर मैं जाके ना लिखता हूँ इसकी चाल ढाल इसके बोलने का तरीका किस तरह का होगा फिर मैं उसे एक वो विजुलाइजेशन होती है ना बंदे की सोचता है कि ये चलेगा किस तरह ये बात किस तरह करेगा और इसकी इसकी फीलिंग्स क्या होंगी तो फिर वो मैंने उसी तरह उस तरीके से मैंने वो बनाई कि कहाँ पे स्ट्रेस पॉजेस और ये किस तरह बस वो सारा किया तो अलहमदिल्ला वो एक अच्छी चीज़ निकला निकलाई okay. आर्मी की ड्रिल हुई थी प्रॉपर okay. एक आर्मी ड्रिल हुई थी जिसके अंदर हमें उन्होंने बताया था कि आ, आर्मी वाले किस तरह बात करते हैं किस तरह अपने ओ, अफसरों से वो आ, उनके सामने जाएंगे तो किस तरह होगा उनके किस तरह राइट पे या लेफ्ट पे किस तरह चलना है डायरी किस तरह पकड़नी है तो मतलब डायरी परफेक्ट मतलब कि वो सब चीज़ें सिखाते हैं हाउ टू टॉक हाउ टू सल्यूट सब चीज़ें वो बता रहे हो उन्होंने बताई हमें तो फिर जब मैं वो सब चीज़ें उस मरहल से गुजर रहा था तो मेरे जहन में एक चीज थी कि मैंने कुछ डिफरेंट करना है अगर मैं फौजी भी बनूंगा तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए मतलब वो नहीं होना चाहिए कि बस वो एक तरह ही वो आ, ये चल रहा है लेकिन उसमें उतार चढ़ाव होने चाहिए कुछ डिफरेंट चीज होनी चाहिए तो कि, वो कि वो, ये ना तो लगे कि

चल रहे हैं या बात कर रहे हैं अपने ग्रुप में जाके किस तरह खड़े होंगे और इसी तरह अगर कोई कप्तान है कोई लेफ्टिनेंट है को कर्नल है अगर मैं उन्हें देखता था तो मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश करता था कि किस तरह होगा तो फिर मैं उनकी सब चीज़ों की कुछ ना कुछ डिफरेंट मिक्सचर लेता था और उसे बना के मैं कहता था कि अच्छा हाँ मैं इस चीज़ को इस तरह करूँगा कि मेरा उनसे मिलता हुआ जुलता हुआ वो चीज़ ना मिली मिली जुली चीज़ ना आए कुछ डिफरेंट हो काम करना कैसा एक्सपीरियंस था क्या सीखा क्या आपने उनसे तीन चीजें बताएं मुझे हायसम भाई आ, ने बहुत कुछ सिखाया मैंने आ, मैं हमेशा यही कहता हूं कि और कहता रहूंगा कि वो गॉडफादर है इज लाइक अ गॉडफादर टू मी तो वो इस तरह के आ, है कि देखिए हायसम भाई कैप्टन ऑफ द शिप एक बहुत बड़ा आ, आ, एक लقب है जो डायरेक्टर को दिया जाता है उसे कैप्टन ऑफ द शिप इसलिए कहा जाता है कि एक बोट है कश्ती है जा रही है तो उसके अंदर से सवार जो सेलर्स हैं कैप्टन ऑफ द शिप की ये ड्यूटी होती है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने सेलर्स को किस तरह तूफानों से आंधियों से बचाना है। तो वो एक तो वो बहुत करते हैं ओके। और वो बताते हैं फिर दूसरा वो कि वो एक, -एक करेक्टर के ऊपर काम करते हैं मतलब वो ये नहीं कि मेन लीड्स पे काम हो रहा है बाकी पे नहीं हो रहा उनका होता है कि अगर किसी की एक लाइन भी है और आप देखें कि अल्लाह ने इस प्रोजेक्ट को ऐसी इज्जत दी है कि जिसकी एक एक लाइन भी है वो आप लोगों ने वो देखा और आप लोगों ने उसके ऊपर रिव्यू दिया हुआ है जिसकी एक लाइन भी है जिसकी दो लाइने भी है, है। मतलब उन्होंने कि हर बंदे पे काम किया फिर वो वो मुझे एज ऐजा थर्ड वन थिंग इज़ कि वो मुझे एज ऐजा छोटे भाई की तरह लेके चले मतलब उन्होंने बड़े प्यार से समझाया बड़े तरीके से आ, हम अगर हम फ्री भी बैठे होते थे वो मुझे ले जाते थे और हम डिस्कस करते थे बातें करते थे और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उनका मैं शुक्र गुजार हूँ अल्लाह के बाद और अल्लाह ने उन्हें वसीला बनाया जिससे मुझे कैप्टन फारूक मिला आप कैप्टन फ़ारूक से मिलने गए जी मुझे बड़ी क्यूरोसिटी थी क्योंकि हम में से तो कोई सच नहीं जानता कैप्टन फारूक को आप जैसा भी प्रेजेंट करते हैं हम उनको ऐसे ही ले लेते हैं राइट क्योंकि वी डोंट नो कि वो तो ये क्यों आपने सोचा कि मैं जाऊं मिलूं क्या जहन में आ रहा था मुझे ये बड़ी आपकी ना बात या, या साहब ने आपको सजेस्ट किया था मेरे मेरे, मेरे था? जहन में था कि मैंने उनसे मिलना जरूर है क्योंकि आ, आ, मैं ये जानना चाह रहा था कि आ, किस तरीके से वो टाइम गुजारा उन्होंने उसके बाद किस तरह टाइम गुजारा या उससे पहले का क्या था जब आप, आपकी पोस्टिंग हुई थी या क्या चीजें हुई थी आप आ, 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 शायद यकीन ना करें कि वो बैठे होते थे और मैं बैठा होता था जब वो बताना शुरू होते थे तो वो इतनी लह में बताना शुरू करते थे कि उनको रोना आ जाता था थार्स और तो जब मैं अब आप अंदाज़ा लगाएंगे पचास साल हो चुके हैं लोग भूल जाते हैं लोग तो एक साल में भूल जाते हैं तो दो, दो दो मतलब कि आपका अगर कोई अगर कोई रिलेशन भी होता है कोई दस दस बारह बारह साल का तो लोग तो भूल जाते हैं लेकिन पचास साल हो गए हैं उस टाइम को स्टिल वो उसके अंदर जी रहे हैं और मज़े की बात है कि वो जी रहे हैं उस टाइम को अभी तक उन मेमोरीज़ को उनकी यादें जो हैं या। तो आ, सर बड़े खुश हैं फारूक साहब बहुत खुश हैं और जब उन्हें मेरे जहन में ये था कि उन्हें पसंद पता नहीं किस तरह का आएगा क्या रिव्यूज़ देंगे वो लेकिन वो बड़े खुश हैं उनके बेटे जो हैं वो बड़े खुश हैं हसन जो हैं क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया भी कि आप बिल्कुल बाबा की तरह ही लग रहे होते हैं क्योंकि प्योर वो जो जवानी उनकी तस्वीरें हैं उन्होंने मुझे दिखाई हैं okay. कि कहते हैं कि मतलब कि उन्हें उन्हें फील ये आ रही है फिर hmm. उन उन्होंने बताया कि फैमिली के जो रिव्यूज आ रहे हैं उनकी सिस्टर्स के और फारूक साहब की सर के और सर बड़े खुश हैं hmm. hmm. सर कहते हैं कि मुझे वही वाला एक तुमने वो टाइम जिस तरह को याद yeah. करवा देता है ना yeah. वो टाइम में फिर वही वो जिंदा वो दोबारा दोबारा जिंदा हो जाता है तो फिर वो वाला है जब आप उनसे इन पर्सन मिले कुछ सीखा कुछ पिक किया कोई चीज़ आपको याद रह गई उनकी उन्होंने मोहब्बत बड़ी जालिम की है <laughs> आपने वही पकड़ लिया <laughs> क्या मतलब उन्होंने ऐसी जालिम मोहब्बत की है कि स्टिल अभी तक सोनिया सोनिया <laughs> <आ। laughs> वो तो पता चल रहा है वो तो पता चल रहा है कि कैप्टन Farooq के लिए अब सोनिया का पता नहीं है हंड्रेड परसेंट क्या है वो मुझे लास्ट एपिसोड के बाद ही पता चलेगा। चले हाँ लेकिन कैप्टन फारूक तो काफी क्लियर है बिल्कुल काफी क्लियर आपको आर्मी में जाने का शौक था बिल्कुल <laughs> <laughs> नहीं नहीं नहीं। <laughs> की बड़ी ख्वाहिश थी अम्मी की अल्लाह ने लिखा होता है कुछ बेहतर लिखा होता है आपके लिए और आप वो सोच भी नहीं रहे होते और उस दौरान आपको लग रहा होता कि भाई जिंदगी रुक जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा लेकिन जब बाद में जब चीजें खुल के सामने आती हैं आपके सामने और फिर आपको लगता है कि हाँ यार, यार। वही है ना कि अल्लाह बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है और है, वो बेहतरीन प्लानर है तो वही होता है ड्रिल जो पूरी ट्रेनिंग किया ड्रिल बड़ी जालिम होती थी हाँ। मतलब कि बड़ी ही वो होती थी क्योंकि उस टाइम गर्मियाँ भी बहुत थीं हाँ। और वो जो हमारे ट्रेनर साहब थे और उस्ताद जो थे उन्होंने भी बड़ा ही सख्ती से करवाते थे अब एक उसका बड़ा मज़ेदार वाक़ ये है कि हम चार कप्तान थे और वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा ना डाउन फील कर रहे थे तो वो कहते हैं कि साहब आप सब लोग जाके शूट करें और वो दरख्त को हाथ लगा के आए हम दरख्त को हाथ लगा के आ गए उन्होंने कहा कि दिमाग काम कर रहा है मैंने कहा जी नहीं कर रहा बाकी सब ने कहा कर रहा है उसने कहा कि साहब आप रुक जाए आप दोबारा शूट के दोबारा शूट लगा के आए फिर कहते हैं, आप आप सब लोगों का दिमाग काम कर रहा है और उन बिचारों ने तिरों ने फिर कह दिया जी कर रहा है तो कर फिर शूट लगा के आए वापिस लगा के तो आके मुझे हमें कहते हैं कि भाई जो ड्रिल का दिमाग से कोई काम नहीं है तो दिमाग को निकाल दे <laughs> वो बेचारे अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हाँ, 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 वो हाँ मैं हाँ मिला हाँ, रहे थे हाँ, अब मैं शुरू में समझ चुका था कि भाई ये खर दिमाग बंदे हैं <laughs> तो इनका यही होगा उल्टा ही क्योंकि हाँ, उनको हमको कहते थे ना जवाब तो हम उल्टा ही जवाब आ रहा होता था तो फिर मैं वो चीज समझ चुका था हाँ, कुछ दिनों में मैं समझ गया था कि इनके उल्टा ही चलना है तो मुझसे उन्होंने पहले तो फिर पूछ रहा कि दिमाग काम कर रहा है मैंने कहा जी नहीं कर रहा बाकी सब इनका कर रहा है और उनको तीन फेरे लगवा दिए उन्होंने और गर्मी बड़ी थी और आप बैठे हुए देख रहे होंगे हाँ बिल्कुल खुशी खुशी ये बताएं कि कौन सा सीन था जो सबसे ज्यादा मुश्किल था आपके लिए शूट करना ऐसा उस तरह नहीं होता था लेकिन मौसम जो था उसकी वजह से होता था अब देखिए मुझे एक रूम है ना ऑपरेशन उप, रूम जो ब, बनाया हुआ ऑपरेशन हाँ, जहाँ पे डिस्कशंस होती हैं सारी वहाँ पर एक तो पूरा बंद था और वहाँ हाई संभ ना बड़ा नेचुरल खेलते हैं अच्छा। वो एक तो लोग इस्तेमाल करते हैं फॉग फॉग मशीन, मशीन वो भी इस्तेमाल नहीं करते वो पुराने दौर का ही वो लकड़ियाँ जलवा के, के कोयलों के साथ वो वाला धुआं करवाते हैं और आँखों में भी वो आँखें क्या वो सांस घुटना शुरू हो जाता था और हम कहते थे कि बस फिर वो जब वो धुएं वाला आता था ना हमारे करता था कि

और हमें ये सोचना है कि अभी कहीं से भी भी कोई गोली लग सकती है है कुछ भी हो सकता है। तो बस, बड़ा निकले ये। ये। वो। तो बस मैं उस फील में होता था हाँ। कि मैंने फील करना है कि भाई मैं अकेला बंदा हूँ और यहाँ पे इनके बहुत बंदे हैं तो वो एक अच्छी चीज है हमें डराया है ना अंदर तक हमारे दिलों में डर बैठा हुआ था

पहली मुलाकात में बस वो एक सीन था वो हमने करना था और जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि जी एक्सक्यूज मी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ और वो कहती है कि उनकी जान बचाएं तो अच्छा फिर वो दर... सीन पहला था वो जब आती है आर्मी के उसमें हमारी कोई मतलब मुलाकात मतलब कोई डिस्कशन हाँ। नहीं हुई कोई हेलो हाई नहीं हुई बस हल्का फुल्का हुआ और चले गए उसके बाद वो जो हुआ है यूनिवर्सिटी वाला वो हमारी पहली मतलब इंट्रैक्शन इस तरह था वो पहली मुलाकात मेन इस तरह थी कि बीच में कुछ गैप आ गया था और आ, माया का को कोई और उनका कोई शूट भी था और वो चले गई थी फिर हमारा दूसरा स्पेल स्टार्ट होना था फिर बीच में गैप आ गया था क्योंकि वो तकरीबन आधे घंटे में शूट हुआ था और वह चले गई थी उसके बाद हमारी है वो यूनिवर्सिटी वाली जो मैं जा रहा हूँ वो थिएटर के लिए और मैं वो, रहा वो कि कहाँ पे ऑडिटोरियम कहाँ पर है तो वो है हमारी मेन पहली मुलाकात जहाँ नहीं, नहीं, उसके बाद नहीं, सेट के पीछे जो मुलाकात थी उसमें क्या हुआ वो मिली क्या कहा उन्होंने या कौन, कौन से बाद से थोड़ा केमिस्ट्री बनना शुरू हुई आस्था आहिस्ता आसा बस सिलसिला शुरू हुआ है। और फिर हमने केमिस्ट्री के लिए हम डिस्कशंस करते थे और कि किस तरह होगा सोनिया किस तरह होगा और फारूक का किस तरह होगा किस तरह का रिलेशन होगा किस तरह देखेगा फिर वो आसा घुलते मिलते गए प्रेशर था कि माया के साथ काम कर रहे हैं थोड़ी सी झिझक होती थी बात करने करने में में सीन डिस्कस मैं आपको बताता हूँ उन्होंने बड़ी मतलब कि वो वो इतनी सपोर्टिव हैं कि उन्होंने फील होने ही नहीं दिया अच्छा। दूसरी बात यह है कि प्रेशर बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैंने हमें एज अ थिएटर लाइफ में भी हमें सिखाया जाता है कि आपने अपना अच्छा काम करना ओके। आपने अपना बेस्ट देना है, चाहे जो भी हो तो फिर यही होता था कि मेरे जन में होता था कि अपना अच्छा देना है और उनका भी ये होता था कि अच्छा देना है तो जब फिर वो एक्शन रिएक्शन की गेम है ना जब दोनों का दोनों की तरफ से आ रहा होता था वो फिर एक, एक अच्छी चीज़ बन के निकलती थी बाहर yeah. तो उन्होंने बड़ा ही वो सपोर्टिव रही बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बड़ी शी इज़ वेरी काइंड और आ, डिस्कशंस uh, करना जिस तरह मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता होता था जैसे okay. लाइट का कभी नहीं पता मैं कुछ कई जगहों पर मुझे लाइट नहीं लेनी आती थी तो वो लाइट का बता बता देती थी इसी तरह वहाज के साथ और वो भी इसी तरह के आ, हम बैठते थे और डिस्कशंस चलती रहती थी लेट नाइट शूट हो रहा होता था, था और बैठे होते थे तो दोनों ने ही बड़े सपोर्टिव रहे हो तो वहाज को भी शेर शायरी का बड़ा शौक है आपको भी शेर शायरी का बड़ा शौक है कुछ डिस्कशंस होती थी आप लोगों की ऐसी शायरी पे ये थॉट प्रोवर्किंग कुछ गप्पे वप्पे लगती थी रात को आप दोनों की हमारी हमारी होती थी डिस्कशन discuss, होती थी हमारी देखें आ, श, शायरी जो है अब देखें लिटरेचर शायरी और एक्टिंग आर्ट है ना वो तीनों चीजें बड़ी मिलती हैं आपस में शायरी एक ऐसी चीज़ है और लिटरेचर ये आपको उन जगहों पे ले जाती है जहां पे आप रियल लाइफ में नहीं जा सकते okay. आप उन सोचों में ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि जहां पे आप वैसे ही जिंदगी में नहीं जा सकते तो मैंने हमेशा शायरी को उस तरीके से देखा उस जाविए से सोचा और देखा ओके। तो हमारी यही डिस्कशन होती थी और बड़ी मजेदार गपशप होती थी कुछ शेर होता था आप फेंकते थे शेर फिर वो बोलते थे कुछ यह, ऐसा कुछ नहीं किया नहीं इस तरह इस तरह का नहीं हुआ लेकिन ये जरूर हुआ है कि एक दूसरे के कुछ शेर जो कुछ फेवरेट होते थे वो सुना रहे होते थे अभी तक जितना फैन रिएक्शन आया उसमें से कुछ शेयर कर सकते हैं बाहर गए किसी ने पहचाना किसी ने कुछ डीएम किया कोई इंटरेस्टिंग वाक्य आप हमें सुना सकते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी मैं कुछ दिन पहले मैं गया हुआ था पिशावर एक शादी थी तो आ, आ, क्या कहते हैं मेरे कज़न की शादी थी इस्लामाबाद से पिशावर गए हुए थे तो वहाँ पे दूसरी तरफ से कोई फैमिली आई हुई थी और काफ़ी मतलब कि अलहद ला लोगों को लो, लोगों को लो पता था कि अच्छा ये ये है तो वहाँ पर बैठे हुए किसी को पता लगा कि जी ये कैप्टन फारूक से रिलेटेड मेरी फैमिली मेम्बर्स भी बैठे हुए थे तो वो बड़ा ही एक्साइटेड वो बड़े एक्साइटेड थे हस्बैंड uh, वाइफ और फिर उन्होंने जो दुल्हा थे उनसे रिक्वेस्ट की मेरे कज़न से कि यार आप उन्हें बुलाएं अच्छा अब uh, मैं कहीं बाहर घूम फिर रहा था उनकी मुझे कॉलें बार बार अब मैं गया हूँ उनके पास बैठा हूँ तो बड़े ही वो एक्साइटेड थे उन्होंने बड़ा कहा कि आपको हमने अपने साथ घर लेके जाना <laughs> अच्छा घर लेके जाना घर लेके जाना तो उन्होंने बड़ा ही फोर्स किया बड़ा हाँ। बड़ा फोर्स किया तो फिर मुझसे ये होता है कि मैं ना नहीं कर पाता मेरा ये होता है अच्छा हाँ यार मैं अगर उन उन्होंने बताया ना कि उनकी बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से हर टाइम डिस्कशन हो रही होती है झूठ बिछड़ गई की और उनकी एक बेटी मेरे ख्याल में राइटर भी हैं वो लिखती भी है बड़ा तो उनका बड़ा शौक़ था तो उन्होंने फिर दुल्हे से भी रिक्वेस्ट की मेरी फैमिली वालों से भी रिक्वेस्ट की और फिर मैंने कहा ठीक है चलते और मैं गया गया तो उन्होंने ऑलरेडी पूरा उनका माशा ख़ानदान था वो ऑलरेडी इंतज़ार में था तो उनसे मिला फिर सबने सवाल पूछे फिर बड़ा मजा बड़ा मज़ा आया मुझे हाँ। इंटरेस्टिंग 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 हुई बट हाँ। वैसे कोई है बाहर कोई लोग सेल्फी ले रहे हैं किसी ने पहचान के जोर से हक कर लिया लोग पीछा नहीं छोड़े कुछ ऐसा हुआ है ऐसा हुआ, <laughs> हुआ। मतलब कि आईसा, आईसा, आईसा होता है ना आपको कुछ फिर आप जब जिस तरह जो जो देख रहे होते हैं और वो आपको बड़े ही प्यारे तरीके से कभी कभार आपको होता है ना कि वो पिक्चर्स का कह रहा होता है और कोई ऑटोग्राफ का कह रहा होता है और मैं यही सोचता हूँ कि भाई मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि मैं ऑटोग्राफ्स देता फिरूँ और फिर लेकिन वो बड़े खुश होते हैं है। और मुझे भी बड़ा बड़ी एक खुशी होती है खुशी मिलती है ये ये ओके आप कॉलेज के ज़माने में हॉस्टल में भी काफ़ी हॉस्टल में भी काफ़ी इन्वॉल्व थे और आप कॉलेज पॉलिटिक्स में भी थे ड्रामेटिक्स में भी थे कुछ सुनाएँ किस तरीके से ये सब चीज़ें बैलेंस हो रही थी और इन सब चीज़ों में इतना कैसे इन्वॉल्व थे आप क्या वॉट वॉज मोटिवेटिंग यू कि आप इतने डिफरेंट एरियाज में आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ था मैंने इन सब चीजों की पॉलिटिक्स की हॉस्टल लाइफ की यूनिवर्सिटी और ड्रामेटिक्स लाइफ की मैंने इन तीनों को मिलाया नहीं आपस में मैंने इनकी सब अलग-अलग एक चीज़ें बनाकर ये ये कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ मैंने मिक्स नहीं किया मतलब मैंने कहा कि अगर मेरी हॉस्टल की लाइफ है तो एक अलग लाइफ है तो क्या करते थे हॉस्टल में इंचार्ज थे आप क्या वो नुण? नहीं 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 हॉस्टल के अंदर आपको ओहदे मिलते हैं काफी okay. तो मैं भी एक अच्छे एक yeah. के ऊपर फाइज था हॉस्टल के अंदर न्यू हॉस्टल के अंदर तो वो इस तरह का था कि अब हॉस्टल का इस तरह का मजा है कि मैं जब इंटर में गवर्नमेंट कॉलेज में आया था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहा था वो एक बाल हॉस्टल था जहाँ पे इलाम एक बाल साहब भी रहे होंगे उनका भी रूम है तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि यार अब मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहूंगा और इकबाल हॉस्टल और जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है वो एक ही टाइम पे बने और दोनों बड़े पुराने हॉस्टल हैं तो जब मेरा एडमिशन हुआ तो फिर मैंने न्यू हॉस्टल में मिल गया मुझे एडमिशन मिल गया ड्रामेटिक्स की उसी बेस पे सीट पे मिल गया तो फिर इस तरह होता था कि जब मैंने न्यू हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारी है हॉस्टल की लाइफ और यूनिवर्सिटी की लाइफ मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान यूनिवर्सिटी में आता है और वो हॉस्टल की लाइफ को नहीं जीता तो वो अधूरा जाता है really? यहाँ बिल्कुल अच्छा। ऐसा क्योंकि उधर की एक पॉलिटिक्स एक, एक अलग होती हाँ। है एक एंजॉयमेंट अलग होती है वो एक और डिफरेंट है हाँ। फिर अब पॉलिटिक्स वाला ये होता था कि हम यूनिवर्सिटी के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे ड्रामेटिक्स ड्रामेटिक्स का जब होता था मैं में तरीके से चल रहा होता था तो मैंने उन चीज़ों को मिलाया नहीं आपस में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया नहीं। कि मैंने उनको एक अलीर एक किया होता था कि हाँ भाई अब मेरा ये है तो मैंने इस पे फोकस करना है अगर मेरा ये वाला काम है तो मैंने उस पर फोकस करना है कि ड्रामेटिक्स वाले आगे कुछ यार तुम कॉलेज में बिल्कुल बड़े शेप पर चीनी आया करती थी आ जाती थी आती थी और मेरा तो होता फिर आपने मैं... कैसे कहा कि आप मिक्स नहीं करते थे <laughs> अच्छा इ, इस, इस हवाले से तो मैं मिक्स करता था अगर कोई काम होता था किसी को तो वो मैं वो कर देता था मतलब कि मैं ओब्लाइज करने की मेरी कोशिश होती थी मैंने आपको पहले बताया मुझसे ना नहीं होती पर तो आपके पास तो हर वक्त एक अंबार होता था कई दफा तो चीजें हो ही नहीं पाती थी मतलब कि हमने हाँ कर देनी फिर नहीं हो मैं कहना यार इसका काम नहीं हो बेचारे घर वो हाँ। क्या सोचेगा लेकिन ज्यादातर ये होता था कि अच्छा यार काम करना है इसका अगर कोई आगे तो इसका करना है और ब्लाइज करने की कोशिश करता था तो वो कहते हैं ना कि आप आ, आ, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करो तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है तो मेरे जहन में ये चीज़ होती थी हमेशा कोई किस्सा सुना है कॉलेज की लाइफ से हॉस्टल का कुछ मजे का ये जो आपने बोला ना एक्सपीरियंस हॉस्टल का चले मैं आपको बता देता हूँ हॉस्टल का इस तरह है कि हमने जब एक गैंग हमने बनाया था जब हम पहले पहले साल क्या था उस गैंग का उंगली गैंग <laughs> <laughs> okay, जब हम यूनिवर्सिटी के पहले आ, पहला सेमेस्टर था वहां पे ग्रुपिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा कि डिफरेंट ग्रुप्स थे और वो होस्टल के स्पोर्ट्स में भी हर किसी का ग्रुप होता था जिस तरह थंडर बोल्ट था अम्पायरस था और इस तरह एक दो तीन और थे लेकिन हॉकस्टार स्टार फिर हमने सोचा था कि यार हमने कुछ डिफरेंट करना हमने इन ग्रुपों के साथ नहीं मिलना okay. तो एक अपनी पहचान बनानी hmm. तो पहले साल ही मेरे कमरे में आ, हमने एक बड़ी गैदरिंग रखी अपने पुराने दोस्तों की जो इंटर से पास आउट होकर आए हुए थे हमने फिर कैंपेन शुरू की और हमने एक अपना एक नया ग्रुप बनाया वो टाइटन्स के नाम से था okay. लेकिन एक मज़ेदार ये वाक़ हुआ कि उंगली गैंग के बड़ी उल्टी सीधी हरकतें होती थी और जो कि हम करते ही ये थे कि कई दफ़ा रात को लाइटें बंद करके और बस फिर दरवाज़े नॉक करने हैं और लोगों को डराना है लाइटें बंद कर देनी है फिर कई दफ़ा हम लोगों के ताले लगा के फिर उनमें हम तिनके तिनके फंसा देते थे पर इस तरह इस तरह का एक वो मतलब कि टाइम गुजरा एक मज़ेदार बड़ा वाक्य होसल का अब खादम अली खान साहब हमारे एक होते थे सोपी तो वो बड़े ही मज़ेदार करेक्टर थे तो वो वो कहते थे कि अब उन्हें जब शोर ज्यादा आता था ना अब हॉस्टल के अंदर वो स्पोर्ट्स चल रहा, थे, दौरान दिन चल रहा थे, तो उन्होंने कहा कि जी अब वो ऊपर से नीचे उनका घर ऊपर होता था आवाज़ें उन्हें बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी वो कहते हैं कि ओए सारे कट्ठे होकर इधर आ जाओ हम अब सारे कट्ठे हो क्या गए अब वो कहते हैं कि जी आ, आप लोगों को बड़ा शौक है नारे लगाने का मैं उनकी नकल तो नहीं उतार सकता लेकिन वो बोलते इस तरह थे कि तो बड़ा शौक है आवाज़ा का तो आप लोगों के लिए मैंने एक इनाम रखा है आप सारे लोग बाहर आ जाए सारे अपने अपने ग्रुप्स लीडर जितने भी हैं एक ग्रुप के साथ में आए थे और मेरे कुछ दोस्त थे हम सारे चले गए तकरीबन कोई दो सौ पचास बच्चे सर्दियों का टाइम अब एक हॉस्टल का मेन दरवाज़ा है एक उसके अंदर वाला दरवाज़ा अब अंदर वाले दरवाजे से हमें ले गए वो बाहर वाले पे जहाँ पे लॉन था क्योंकि मेन एंट्रेंस तो हो गई उसके बाद आपने हॉस्टल के अंदर जहाँ पे रहना है जाके रुकते हैं आप कमरों में आना है वो आपने एक और जगह से एंट्र हो क्यों होना आता है आ, आना होता है वो लेके मैं बाहर वो कहते हैं कि जी लगाओ आवाज़ें ऊँची हाँ। ऊंची आवाज़ें शुरू करो मैं दस हज़ार रुपया इनाम दूंगा उस ग्रुप को जिसकी आवाज़ें इस दीवारों को हिला के रख देंगे सामने डी ऑफिस भी होता था न्यू हॉस्टल के सामने पता लगे डी साहब को भी कि जी ये न्यू न्यू के हैं बच्चे सबने नारे मारने डालने खान साहब और जोशले के साथ सारे नारे लगा रहे हैं। <laughs> <laughs> दस मिनट गुजरे हैं खान साहब गायब हो गए पूरे दस मिनट बाद अब खान साहब दस मिनट बाद अंदर वाले गेट पे गए उन्होंने कहा है मुंशी को केयर टेकर को अगर एक भी बच्चा अंदर आया मुंशी तो ते मैं तेनू काट है अब मुंशी अंदर कुंडी लगा अब हम नारे लगा रहे नहीं। जब देखा खान साहब हमें खान साहब मिल ही नहीं रहे अब अंदर क्या तो भाई अंदर ताले लग चुके अब ठंड भी थी उस रात और बस जुड़ जुड़ के बैठे हुए एक जाती बच्चों ने क्या की फैसल हमारे होटल के अंदर कैंटीन खुलती थी रात बारह बजे के बाद टेन टू तो ट्वेल्व होता था स्टडी पीरियड टू वन रात बारह से एक के दौरान वो आता था चीजें लेके आता था डिफरेंट शोर में कुछ बर्गर कुछ चीजें लेके आता था अब फैसल की बेचारे की उस दिन किस्मत हारी थी अब उसे ये नहीं पता था कि ये सारे भूखे सा सारा ढाई सौ भूखा शेर बाहर बैठा हुआ फैसल एंटर हुआ अपनी सामान से गटड़िया भरी हुई एंटर लेके हुए हर बंदा झपट पड़ा है oh किसी ने शोरमा खेच लिया किसी ने कोई टॉफी खेच ली किसी ने क्या खेच ली लेकिन सुबह पाँच बजे आजाने हुई हैं फिर दरवाजा खुला हमारे <laughs> तो वो वो चार घंटे चार जो जो पे गुजरे ठंड में oh और वो जो एक दूसरे के साथ बार बार खिलाड़ी देख रही थी अभी आपने हॉस्टल की बात की अभी और ग्रुप्स की बात की तो उसमें क्रिकेट का दिखाया है और लॉकर रूम में जो कुछ हो रहा है वाज सो इंटरेस्टिंग मैंने रियलाइज़ किया कि हम बात करते हैं गैंग्स की हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं हंडों की लेकिन इतनी सैड रियलिटी है कि कहीं कहीं इंसान स्टूडेंट्स उसमें लड़के भी और लड़कियों को भी मैं शामिल करूँगी उनकी एक बड़ी एक डिफरेंट नेगेटिव सी साइड आपको सामने नज़र आती है जो इसमें दिखा रहे हैं कि वो ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं और जो वो सर्वाइवल के लिए या सर्वाइवल भी नहीं किसी दूसरे को कट करने के लिए जिस लीथल तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं

उसमें हम इंटर के बहुत ज़्यादा बच्चे थे जो मेन लीड पे थे सारे लीडरान थे सारे लीडर्स थे ट्वेल्व टू फोर्टीन का हमारा इंटर था फोर्टीन टू तो एंटीन हम इकट्ठे आगे हुए थे और जो नए लोग थे वो हमारे साथ ग्रुप में शामिल हुए हुए थे हर किसी का एक अपना ग्रुप होता था लेकिन जब बात आती थी हमारे बैच पर तो हम सारे इकट्ठे होते मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई मसला हो गया तो हमारा 14 टू 18 का जो बैच था मैं हॉस्टल की बात कर रहा हूँ वो सब इकट्ठे होते थे एक प्लेटफॉर्म पे होते थे और यही हमारी जो एक स्ट्रेंथ थी वो एक दूसरे को और मोटिवेट करती थी जब हो रहा होता था ग्रुप तोड़ने की बात हो रही होती थी लोग शामिल करने की बात हो रही होती थी तो उस तरह वो चल रहे होते थे स्पोर्ट्स में बड़ा होता था स्पोर्ट्स में लेकिन जब बात होती थी उसके ऊपर कि फोर्टीन एटीन का बैच क्योंकि हॉस्टल में बड़ी एक मज़ेदार लाइफ होती है जूनियर फिर उसके सीनियर फिर उनके सीनियर पर एक वो बड़ा ही हमारे वो रॉबींस में एक बड़ा ही वो प्यारा एक वो रिलेशन होता है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ चलना है अगर किसी फर्स्ट सेमेस्टर वाले किसी बच्चे का कोई मसला हो गया तो भाई उससे सॉल्व करना रहे हैं इस तरह होता था लेकिन यूनिवर्सिटी में हमारे उसके अंदर होती थी काफ़ी पॉलिटिक्स होती थी अपर लेवल पर भी होती थी नीचे भी होती थी कैसे अपने आप को आप सेव करते हैं कि आपकी ज़ात की पॉजिटिविटी रहे और सर्वाइवल में आप कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव ने कर बैठे। ये कभी डिलेमा फेस किया मे, मेरा ये होता था हमेशा से और हमारे ग्रुप का होता था कि जी नहीं करनी किसी के साथ okay. अपना जितना आप कर सकते हो करो अगर कोई कर भी गया है, तो कोई नहीं लेकिन वो, वो इसी इसी तरह होगा कि हमने हमारे साथ बड़े बड़े लोगों ने इस तरह किए हैंड किए लेकिन जब टाइम गुजरा है तो वो ही क्या कहते हैं आपके सामने आया दोबारा फिर जब आप उस यूनिवर्सिटी के टाइम से गुजर जाते हो यूनिवर्सिटी का जो टाइम होता है वो एक और इंटर का जो टाइम होता है उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती जिस तरह पॉलिटिक्स या कुछ कोई नेगेटिव भी कुछ चीज़ें अगर फैल रही होती तो उस समय आपको नहीं पता लगता जब वो टाइम गुजर जाता है तो आपको लगता है हम ये क्या कर रहे थे ये क्या बच्चों वाली हरकत थी अब जब यूनिवर्सिटी का टाइम गुजर गया तो मेरा यही होता है कि यार जिनके साथ कुछ मसले भी होते थे यार आज वही मिलने यार उनसे मिल के बैठ के बात कर लें हाँ। कि हम क्या करते थे उन्हें ही हक कर लें उन्हीं से मिल लें तो मतलब पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, हो हुँ। गया। हुँ। तो यूनिवर्सिटी में इस तरह होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में इंटर लाइफ में लेकिन जब टाइम गुजर जाता है लेकिन कुछ लोग होते हैं वो यूनिवर्सिटी की लाइफ के बाद भी नहीं सुधरते ज़्यादा कुछ इस तरह के भी होते हैं लेकिन उनकी रेशो बड़ी कम है लेकिन ज्यादातर सुधर ही जाते हैं मतलब समझ जाते हैं कि यार अच्छा वो पॉलिटिक्स थी वो बच्चों वाली चीज़ें थी तो ये है आप जब कॉलेज से ग्रेजुएट किए तो आपने जिक्र किया कि आपको थोड़ा सा आ, स्ट्रगल करना पड़ा कि आप अपनी कंफर्ट जोन जो कॉलेज की थी उसको छोड़ के थिएटर में जो आप इतना बिजी थे उसको छोड़ के आप एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में कदम रख रहे थे और थोड़ा डर भी लग रहा था आपको एंड आप वापस जहिमिया खान चले गए तो क्या हुआ था जहन में क्या चल रहा था एंड हाउ डिड यू हैंडल और आप जो यूथ मुझे लगता है बहुत से बच्चे बहुत से यूथ इस वक्त इस चीज़ को फेस करते होंगे जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट करके रियल लाइफ ज़िंदगी में जाते हैं तो उनको हिट करता है एंड मे बी मेंटल हेल्थ इश्यूज या मेंटली थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो तो आपने क्या किया और आप क्या एडवाइस करेंगे देखिए होता कुछ इस तरह है कि आप जब आपका वो टाइम गुजरता है यूनिवर्सिटी का आप पास आउट हो जाते हो ज्यादातर लोग जो हैं वो बेचारे दो दो तीन तीन मंजिलों के मुसाफिर बन जाते हैं okay. कई दफ़ा तो लोगों को समझ ही नहीं लगती क्या करना है सबसे पहले बात ये है सबसे पहली बात ये है कि आप जो करना चाह रहे हैं आप उस चीज को समझें कि आप क्या कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो उस पर लग रहे चाहे आप अप्स एंड डाउन आ रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहा है आपकी जिंदगी में लेकिन आपकी जो मंजिल है आपका जो एम है वो क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने ये करना है मेरे साथ यही हुआ कि मैंने अपने जहन में बिठा ली थी बात कि मैंने यही करना है थिएटर करना है मतलब थिएटर टीवी मतलब वही टीवी के आ गया था मतलब अब देखिए थिएटर का यहां पर जो है थिएटर एक बड़ी मजेदार चीज़ है ये बात एक दूसरी स्टार्ट हो गई देखिए थिएटर को उस तरीके से यहाँ पे न सपोर्ट किया जाता है और लोगों को थिएटर का पता ही नहीं थिएटर एक किस्म का नहीं है स्ट्रीट थिएटर है पीस थिएटर है म्यूजिकल थिएटर है डांस थिएटर है फिर हिस्ट्री से रिलेटेड थिएटर है लोगों को थिएटर का नहीं पता और वो देखे ना आिस्ता आहिस्ता आता वो रुझान खत्म होता जा रहा है लेकिन अल्टीमेटली मेरे जहन में एक चीज थी कि भाई टीवी टीवी जाना है क्योंकि आ, आ, टीवी का जो प्लेटफॉर्म है उसकी आ, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हो मतलब कि उसका पूरी दुनिया देखती है उससे इम्पैक्ट ज्यादा है थिएटर को उस तरीके से नहीं देखा जाता और थिएटर को उस तरीके से यहाँ पे पजीराए भी नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थिएटर आर्टिस्टों को भी और थिएटर को भी तो मेरे जिन में क्लियर था कि भाई मैंने काम तो यही करना है ठीक है लेकिन ऑब्वियसली जब 180 वाला वो एक चेंज आता है शिफ्ट लगता है बंदे को तो वो डाउन रहता है

एटीन okay. के बाद मैंने कहा था कि अच्छा बट जब वो सब चीज़ें वो जो मिक्स एक, एक वो एक खिचड़ी बन गई थी अच्छा भाई ये डिग्री भी अब हो रही है ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है हॉस्टल भी जा रहा है सब कुछ हो रहा है तो बस उसी दौरान वो महमूद या गौहर की भी डेथ हो गई तो फिर बस मेरा ये था कि बस अब जो जितना मतलब कि वो था वो कर लिया अब अल्लाह खैर किया तो इंशाल्लाह टीवी की तरफ आऊँगा लेकिन मुझे मिलते थे कुछ चीज़ें कुछ करेक्टर्स मिलते थे लेकिन वो मेरे जन में यही था कि यार आ, ये नहीं कुछ करना। कुछ अच्छा okay. so, मतलब डिफरेंट जो, जो, वो वो मतलब जो, मैं चार मैं जो करना चाह रहा हूं ना हाँ। मैं वो करू मेरा ये है कि थोड़ा कर लो अच्छा कर लो कम कर लो अच्छा कर लो मैं मैं इस चीज पे कायल लू और मैंने वही हुआ कि आ, लेकिन जब मैं घर भी जा चुका था रहीम खान चला गया था तो आ, बस वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा साथ जो था मेरी फैमिली ने और वो मुझे ये भी कहते थे कि अगर तुमने बाहर जाना है या आ, क्योंकि कुछ हैं फैमिली मेम्बर्स भाई भी थे तो बाहर चले जाओ तुम यहाँ कनाडा जा चले जाओ या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ जहाँ तुम कहते हो वहाँ पे इंजॉय करो जो मर्ज़ी करो लेकिन तुम डाउन ना रहो और आ,

गुजार रहे होते हैं गुजार चुके होते हैं तकरीब तो मेरे अमां अबा ने हमेशा यही कहा कि यार तुम लोगों ने जो करना तुम करो लेकिन उन लोगों के लिए एडवाइस मैं यही करूंगा कि अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखें दो दो तीन तीन मंजिलों के मुसाफिर ना बने अगर आप कुछ करना चाह रहे हो जिंदगी में अगर आप कुछ कुछ एक्टर बनना चाह रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो या सिंगर बनना चाह रहे हो या डॉक्टर बनना चाह रहे हो कुछ भी तो आपको अपनी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे हमारे मसला ये है कि हम पांच छह साल कुछ चीज कर लेते अच्छा तो यार ये तो नहीं है मेरे लिए फिर एक और सैड पर चले जाते फिर जीरो से शुरू कर देते तो क्यों ना अपनी डायरेक्शन को क्लियर रखा जाए फिर उनको ये चाहिए कि उस चीज़ सोचें अब कई आ, आ, दे, मैं, 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 कहना नहीं देखा देखी समझते हैं कि आ, एक्टिंग एक आसान काम है ये दुनिया का मुश्किल काम है बहुत मुश्किल तो ये एक मजदूरी ही है प्रॉपर एक्टर जो है आर्टिस्ट जो है मजदूरी ही है तो उस चीज को समझें आप आपके जो नज़र आता है टी वी के ऊपर कि आप ग्लैमर आपने ग्लैमर। ये देखा वो देखा ऐसा नहीं है उसके पीछे बड़े बड़े लोगों ने स्ट्रगल की होती है बड़ा बड़ा जोर लगाया होता है बड़ा कुछ देखा होता है अप्स एंड डाउंस देखे होते हैं तो अपने डायरेक्शन को क्लियर रखें और उस डायरेक्शन को सोचें कि अगर आप ये कर सकते हैं कि नहीं अगर आप कर सकते हैं देन तो गो फॉर इट उसके पीछे लग जाएँ फिर खुदा पे भरोसा रखें स्ट्रांग फेथ रखें और अपने ऊपर फेथ रखें अपने ऊपर भरोसा रखें बाबा गुरु नानक बड़ी अच्छी बात उनकी एक लगी थी पढ़ी थी मैंने वो कहते हैं कि जिसको अपने ऊपर फेत नहीं है ना वो अल्लाह पर भी फेत नहीं रख सकता वो खुदा पर भी फेत नहीं रख सकता तो अपने ऊपर भी यकीन रखें और खुदा पे भी यकीन रखें कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है और उसके पीछे फिर जम जाओ लग जाओ फिर खुदा दे देता है आपको कहीं कई लोगों को जल्दी मिल जाता है कई लोगों को थोड़ा देर से मिल जाता है लेकिन मिलता ज़रूर है आपकी मेहनत का फल ओके मदिया गोहर की फात के बाद आप कह रहे हैं कि आप नहीं जा सके दोबारा जाएंगे या इज़ इट इमोशनली दैट एक ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आप थिएटर पे वापस नहीं जा सकें थिएटर अब आ, अभी जो मेरा मेन ये है कि मैंने जो थिएटर से जितना मैंने करना था और सीखना था जो चीज़ें सीखनी थी जो लेनी थी वो मैं ले चुका हूँ अलहमद लाला अब मेरा मेन फोकस है टी वी टी okay. वी करना अल्लाह खर करें टी okay. वी है जिस तरह ओ डी डी प्लेटफॉर्म जो जो भी हो रहा है इससे रिलेटेड वो करना है

मैं जब भी घर भी जाता हूँ ना तो मेरी आदत है कि मैं अपनी अम्मा बाबा को ना दुबा के सोता हूँ मेरी आदत बनी हुई है और अगर मैं लेट ना अगर बाहर भी जा रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं उनके पाँव वगैरह दुबा दूँ और मैं और वो सुकून मिलता है आपको मेरे साथ वो भी बहुत मिलती बिल्कुल मिल है सर और अगर वो सो भी रहे हो तो मेरी आदत होती है मैं दुबा के चुप करके बाहर से निकल के मैं चला जाऊँगा तब जब मैं अम्मी को दोबारा होता था तो मैं वो मैं थोड़ा सा मस्का भी लगाता था कि यार अम्मी मान जाए प्लीज़ यार मुझे करने दे यार तो बस फिर आता आहिस्ता आहिस्ता अम्मी मान गए तो अम्मी अलमदुल्लह खुश है खुश है बट कहा नहीं कुछ कभी भी जिस तारीफ की को, को, कोई सीन की या कुछ या ये कि उसने आके मुझे बताया कि तारीफ कर रही थी तु, तुम्हारा बेटा नहीं, ये। नहीं अम्मी इस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं, नहीं है वो अपने दिल में रख लेंगी वो बहुत प्यार करती हैं okay. लेकिन वो खुल के उस तरीके से नहीं बता ओके ओके इंडिया में जो आपका पूरा टाइम गुजरा जो आपने किया वहाँ से क्या सीखा आपने कुछ सीखा दो तीन चीज़ें जो आपको लगता है जिसने आपके क्राफ्ट को ऐड किया है जो यहाँ इस वक्त मे बी वो चीज़ आपको लगता है कि नहीं सिखाई जाती या एक्सपोजर नहीं है वो यहाँ के एक्टर्स को मे, मेरा ये होता है कि मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ अब इंडिया के हमारे डायरेक्टर्स से केवल धली साहब थे और केवल धली साहब और उषा गंगोली मैम थी मतलब कि हर किसी का थिएटर के तरीके भी कुछ डिफरेंट होते हैं वर्कशॉप्स देने के भी तरीके डिफरेंट होते हैं तो मैंने इसी तरह वर्कशॉप्स उनसे भी ली हुई उनके साथ मैंने काम भी किया हुआ थिएटर में उनके साथ थिएटर उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है उनकी टीम के साथ भी काम किया हुआ है तो मैंने हर जगह से कुछ ना कुछ कुछ ना, कुछ ना कुछ और वो सीखा ही है इंडिया उनसे भी सीखा है इंडिया से भी सीखा है पर 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 लेकिन थिएटर पे वहाँ पर थिएटर को वहाँ पर जिस तरह बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है इज्जत दी जाती है थिएटर के वाले से लेकिन यहाँ पर उस तरीके से थिएटर तर आर्टिस्टों को इज्जत नहीं दे रिक्शन नहीं है जो कि मिलनी चाहिए उनको मौका मिलना चाहिए तो जिस तरह मेरे होता है जहन में कि कभी कभार मुझे बड़ा दुख होता है अब देखिए हमारे जिस तरह ये कमर्शियल थिएटर के मज़ेदार बड़े करेक्टर्स हैं ठाकुर साहब हैं या अजीज़ी साहब जैसे मतलब कि अजीज़ साहब तो तो हैं या टी का भी कर रहे हैं ठाकुर साहब हो गए या अमाना चंद साहब हो गए इस तरह के जो लोग हैं अब देखिए लोग उन्हें देखते भी हैं लेकिन वो जो अल्लाह माफ़ करे सो कॉल्ड उन्होंने वर्ड्स रखे हुए हैं कि जिस तरह मेरासी कह देना किसी को ये ये कह देना तो ये बड़ी बहुत बड़ी ज़्यादी है मतलब कि यहाँ आर्ट है ये अब अब मैं आपको एक छोटा थो, सा वाक्य बताता हूँ कि मैं इंडिया में था एक बुज़ुर्ग आए उनकी तकरीबन एज होगी सेवनटी प्लस मैं आ, ये जफरी खान साहब उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मेरे जिन में थिएटर के, के वाले से तो वो मेरे पास आए मैंने थिएटर किया तो उन्होंने वो मेरे ना पैरों की तरफ ना हाथ लगाने न, मैं फ़ौरन पीछे हो गया अब मैंने उनको घुटनों को हाथ लगाया तो बुजुर्ग थे वो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा एक एहसान होगा पंजाबी में मुझे कहा मैं कहा जी

<laughs> नोट क्या करता एक वो तकिया का नाम है वो बना हुआ है मैं हमेशा यही कहता हूँ बहुत शुक्रिया जी <laughs> सलामत रहे आप <हूं। laughs> तो मैं मैं इस नजर से नहीं देखता कि भाई आंखें कैसी लग रही है बाल कैसे लग रहे हैं सामने किसी को देख रहे हैं तो पहले क्या चीज नोट करते हैं कुछ कुछ तो कभी कॉलेज के ज़माने में या चले हैं वैसे ही कुछ तो सामने होता होगा ना कि किस पे नज़र ठहरती है किस चीज़ पे किसी को बोलने का अंदाज होता है कोई कहते हैं वी नो दे कैरी किसी को आंखें अच्छी लगती हैं किसी को हाथ अच्छे लगते हैं मेरा ये है कि इंसान अच्छा हो ओके okay. इंसान अच्छा हो ओके okay. ये जो बाहर की खूबसूरती है मैं सच बताऊँ हाँ। ये आप समझेंगे मैं डिप्लोमेट जवाब दे रहा हूं आपको लेकिन अल्लाह नोज मुझे ये चीजें वो नहीं करती okay. नहीं करती अट्रैक्ट नहीं करती मुझे okay. बस ये होता है कि इंसान अच्छा हो हाँ। क्योंकि इंसान है सब बराबर है हाँ। वो वो चाहे वो एक खातून है या कोई मर्द है सब बराबर है सबकी इज्जत बराबर है लेकिन आप का होना अच्छा ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी ये चीज मैं देखता हूँ

अब मुझे इसी तरह मैसेज मैसेजेज आ रहे होते हैं और मुझे कहते हैं कि भाई आप बुजुर्ग हैं कुछ लड़की इस तरह मुझे कह देती हैं मैसेज में बता है आप बुजुर्ग हैं हमें कह रहे हैं, हैं। सलामत रहे हैं आप लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेरा तो क्या कलाम है मेरा हमेशा से ये है कि मैं यही कहता हूँ और मुझे कई दफ़ा तो कह देते हैं कि आप मैं हूँ ना कि मैं मैं उस पुराने दौर को बड़ा मुझे पसंद है और मैं उसी में बड़ा मुझे मजा आता है उस तरीका सोचना और वो चीज़ें बड़ी मुझे अट्रैक्ट करती हैं वो हाँ। कुछ पुरानी एंटीक चीजें भी कुछ एंटीक हो गया देते हैं कई दफा नहीं लेकिन इन कोई बोले तो हालत खराब होगी परेशान होंगे घबराएंगे नहीं होगा बिल्कुल मैं उन्हें यही कहूँगा सलामत रहे आप आबाद रहे आप खुश रहे पुराने जमाने का भी ले रहे तो कुछ अच्छे इजहार के या जवाब इजहार के भी तरीके हो सकते हैं सलाम बुजुर्गों वाला चला गोन <laughs> <लिक, laughs> हो सकता है मेरा मेरा ये बात किसी की आइडिया आ जाए ओके अच्छा आप मॉल में जा रहे हैं सामने से एक लड़की आ रही है या कोई एक लड़का भी चले अब लोग बोलेंगे सारी लड़की लड़की कर रही है तो उसके हाथ में एक चले लड़की आ रही है एक हाथ में मिलशेक है एक हाथ में बर्गर है दोनों उसके हाथ से गिरते हैं पहले जाके कौन सा बचाएंगे मैं बर्गर को बच... ओ सॉरी जूस को बचाऊंगा मिल्क शेक को मिल्क शेक को क्यों वो लिक्विड है ना हाँ उससे हाँ। तो फैल जाना है <laughs> बर्गर तो गिरेगा हम <laughs> साफ करके खा लेंगे उससे <laughs>

आपको और आपके दोस्त को एक ही लड़की पसंद आ गई है दोनों का दिल एक पे ठीक है? थीके? तो अब आप क्या करेंगे? जाके उस लड़की को बताएंगे या ये इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उसका मतलब दोस्त का पत्ता काटना है आपने ठीक है तो क्या करेंगे या उसकी सबसे वर्स्ट मेमोरी या स्टोरी जो शर्मिंदा करते उसको वो बताएंगे लड़की को क्या करेंगे अब मैं इस पे भी सच लेकिन मैं सच बताऊं आपको ये सच की है कि मैं वो ज़्याति नहीं करूंगा ओके हां इसमें ज़्याति अगर प, अगर को? नहीं अगर क्यों पसंद है यू थिंक आपका दोस्त नहीं जाके पटाएगा उसको वो नहीं कुछ कर रहा नहीं आपके इस तरह का जवाब जा रही है कि अच्छा दोनों कोशिश कर लेते जिसके साथ सेट हो गई जो नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं जा रही मैं सिर्फ

अच्छा ओके okay. चलिए ये, ये अब ये डिपेंड करता है कि दोस्ताना कितना हम्म ठीक है ये डिपेंड करता है अगर तो बड़े बेस्ट फ्रेंड है मैं कर दो और बेस्ट फ्रेंड नहीं हुआ बेस्ट फ्रेंड नहीं हुआ तो फिर दोस्त किस तरह का होगा नहीं कोई भी हो सकता है एक्क्विटेंस हो सकता है <laughs> मैं नहीं निकलने वाली थी आप इस <laughs> सर्कल से फंसे हुए आप कोशिश करेंगे फिर यही है तो कोशिश में क्या होगा उसे समझाएंगे

रफ़्तार रफ़्तार वो मेरी हस्ती का समा हो गई पहले जहाँ फिर जाने जहाँ फिर जाने जाना हो okay. तो बड़ा मज़ेदार है yeah. वो डेडिकेट करेंगे वो डेडिकेट करूंगा सुना दीजिए <laughs> <laughs> हाँ तो बोला था okay. आपने चलिए मैं सुना <laughs> देता हूं वो ये है कि <laughs> रफ़्तार रफ़्तार वो मेरी हस्ती का समा हो गई रफ्तरफता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई पहले जा फिर जाने जा पहले जा फिर जाने जा फिर जाने, जा, फिर जाने जाना हो गई रफ्तार रफ वो मेरी हस्ती का सामा हो गई शुक्रिया बहुत, बहुत। <laughs> अच्छा आपका आ, एक शेर है आपका जो आपको पसंद है जॉन एलिया का मुझसे मिलने को आप आए हैं बैठिए है, मैं, मैं बुला, बुला के लाता हूं इतना दुखी शेर क्या हुआ जिंदगी में आई वांट टू नो शेर बहुत अच्छा है <laughs> ये आ, ये हर किसी के लिए फिट हो सकता है नहीं हर किसी की तो हम बात नहीं कर रहे ना हर किसी के हम पर, तो हर वक... हर सिचुएशन में फिट हो सकता है वो इस तरह कि खा आपके साथ किसी दोस्त ने कुछ जाति की या किसी ने कुछ किया तो वो यही है कि वो जो टाइम था वो गुजर गया तो वही बात है कि अब आप मुझसे मिलने को आए बैठिए मैं बुला के लाता हूँ कि मतलब कि मैं तो कब का खत्म हो चुका हूँ मेरी जात तो कब की मर चुकी तेरे नाम से या तेरे हवाले से वो तो कोई भी हो सकता है तो अब आप क्यों आए तो अगर आप अब अब मुझसे मिलने आए मैं कब का मर चुका हूँ अब ये कुछ और है जिससे आप मिलने आए हैं okay. hmm. <laughs> नहीं समझ तो मुझे आ गई थी। मैं तो जानना चाह रही थी कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, ये ये कैसे जिंदगी में क्या हुआ जिससे आपको आप <laughs> 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 we'll बहुत शौक से लिखते भी हैं मेरे जहन में कुछ आमदें होती हैं hmm. लेकिन मैं लिख नहीं पाता क्यो? कभी कभार कुछ स्टोरियाँ आती हैं मेरे जहन में लिखी नहीं जाती मुझसे तो फिर वो कभी कभार मैं भूल जाता हूँ तो इस तरह का होता है मेरे साथ शायरी ने कैसे आपके पर्सपेक्टिव को चेंज किया है कैसे सोच में डेप्थ ऐड किया है और आप क्यों रेकमेंड करेंगे कि आजकल के नौजवानों को शायरी ज़रूर पढ़नी चाहिए मैंने इससे पहले भी उस चीज़ को बताया कि जो शायरी है वो एक ऐसी चीज़ है वो आपको उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर आप नहीं जा सकते नहीं। रियल लाइफ में तो उस शायरी की गहराई है आप उसको फील करें आपको मज़ा आएगा हर किस्म की शायरी है तो मैं यही है कि शायरी को पढ़ना चाहिए उसे उसे फील करना चाहिए चाहे किस किस्म की भी शायरी हो तो ये वही बात है कि आपको उस जहान में ले जाती है शायरी कि जहाँ पे आपने ना आप कभी जा नहीं सकते या आपने कभी सोचा नहीं होता तो आप इमेजिनेशन में ही बड़ा दूर निकल जाते तो शायरी बड़ी मज़ेदार चीज़ है आपको लगता है कि वो आपकी क्रिएटिविटी uh, और इमेजिनेशन को एक्सपैंड करती है शायरी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि लिटरेचर वो किसी भी चीज़ का हो किसी भी सब्जेक्ट का हो फिर इसी तरह शायरी और एक्टिंग जो है अगर आप इस तीनों को इनका कॉम्बाओ और इन्हें मिलाते हैं तो एक वो फिर फटके एक नई चीज़ बाहर आती है क्रिएटिव इंसान है आप काफ़ी और क्रिएटिविटी इस फ़ील्ड का जिसमें हैं आप उसमें भी बड़े उसके इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे लगता है इन द सेंस जिससे आप कह रहे थे कि मैं कैरेक्टर को देखता हूँ कि उसको कैसे डिफरेंट करूँ और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मैं उसमें जाता हूँ सोचता हूँ तो इस इंडस्ट्री इस आर्ट की फील्ड से रिलेटेड लोग भी मुझे बहुत लगता है कि क्रिएटिविटी उनकी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती है चाहे वो किसी भी लेवल पर हो सकती है आपको लगता है क्रिएटिव लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी क्योंकि स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं आप लोगों के एक खास किस्म के और आसपास जब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं तो वो डिसअपॉइंटमेंट होती है कभी जहन में सोचा है कि मुझे कैरेक्टर ऐसा करना है लेकिन वैसे नहीं कर पाए या जहन में सोचा है ये चीज़ ऐसे करनी है लेकिन नहीं कर पाए आपको लगता है क्रिएटिव होने की एक प्राइस देनी पड़ती है अब मेरी ये एक्टिंग से रिलेटेड की जो एक लाइफ है वो एक अलहदा चीज़ है ओके okay. उसके अंदर मैं क्रिएटिव होकर बड़ी चीज़ों को सोचता हूँ समझता हूँ और उस उसमें करने की कोशिश करता हूँ डेली रूटीन में यही है कि भाई जिस तरह जिंदगी गुजरी उस तरह जीने दो ठीक okay. है उसको 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 ना छेड़ो hmm. ना बनो बनो मत जिस तरह चल रहा है जो चीज़ है hmm. जो आपके अंदर है वही रहो okay. उस तरह जिंदगी को चलाओ और क्रिएटिव जब काम के वाले से होता है तो वो जरूर मैं होने की कोशिश करता हूँ कि यार कुछ डिफरेंट होना चाहिए hmm. लेकिन आम जो ज़िंदगी है उसका यही है कि भाई जो सादगी है जो है सुकून है जो है अब वो रहो दिस इज़ इंटरेस्टिंग कि आपने वो सेपरेट uh, कर दिया है कि यहाँ मुझे अप्लाई करना है और मुझे यहाँ नहीं अप्लाई करना है इंटरेस्टिंग um, आप खुद भी बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व थे कॉलेज की लाइफ में जैसे अब हम बात कर रहे थे हॉस्टल था पॉलिटिक्स थी ड्रामेटिक्स था आजकल के यूथ जो है वो हम देख रहे थे कि कॉन्सटेंटली ना दे आर डूइंग समथिंग उनको हर लम्हे किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना होता है आपके साथ ये सब इतनी जो एक्टिव जिंदगी गुजार रहे थे आप उस ज़माने में डिड इट टेक अ टोल ऑन यू डज इट टेक अ टोल ऑन पीपल एंड आप क्या एडवाइस करेंगे यूथ को बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि अगर इस वक्त वो हैं और उनको टेम्पटेशन हो रही है कि हम ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें तो करना चाहिए या कुछ थोड़ा सा आप कॉशन कर दें कि करो लेकिन इस चीज़ को जहन में साथ रखो नहीं वो ये है कि आप देखें अब अगर तो ये जहन में वो बना के रखेंगे ना कि ये भी फॉर कर लें ये भी फौरन कर लें ये भी फॉर कर लें ले, तो इस तरह नहीं होता okay. ये रियलिटी है ठीक है सब चीज़ें वक्त के साथ और आहिस्ता आहिस्ता ही आपको मिलना शुरू होती हैं अब ये नहीं है कि आप झपट से आए हैं और आप आगे छा गए और सब कुछ आपको मिल गया तो वही है कि आपको वक्त के साथ साथ आ, वो आ, गुजरना होता है उस चीज़ के साथ टाइम देना पड़ता है आपको कोई भी चीज़ है और अगर आप ये कहेंगे ना कि आ, मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ और उनकी डायमेंशन डिफरेंट हों डायरेक्शन डिफरेंट हों तो आप फंस जाओगे आप फंस जाओगे आप जहरी तौर पर फंस जाओगे और आप थक भी जाओगे तो आप अपना बेसिकली वही बात है कि एम जो है वो सेट रखो कि भाई मैंने ये करना है लेकिन इसको किस तरीके से करना है और उसको टाइम बनाना कि भाई आहिस्ता 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 आहसा बस जिस तरह जिंदगी चल रही है उसको उस तरीके से चले लेकिन उस पर मेहनत करें उस पर काम करें अच्छा मैं सर्च कर रही थी तो मुझे एक वीडियो मिली आपकी पुरानी जून ट्वेल्थ ट्वेंटी ट्वेंटी की मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी मैंने कहा मैं आपको भी दिखाती हूँ पपीर दे दे तो नहीं है। हाँ। वैनिका मैं आपको दिखाऊं। पेपी दे तो दे। आपको याद था आपने ये किया हुआ है? के... What inspired you to do this? और अब जब मैं दिखा रही हूँ ये, तो दिमाग में क्या आ रहा है? And... अब ये जो मेरे सामने इतने डिप्लोमैटिक और सीरियस ये बैठे हुए वहाँ पर इस तरह के, लिए। ये वाली वीडियो आप के देखें। okay. मैं बैठा हुआ था घर में तो मैंने कहा कुछ करते है उन दिन में कुछ बड़ा फ्री होता था तो मैंने कहा यार एक कोई पकड़ता हूँ डायलॉग को और उसको देखता हूँ कितनी वेरिएशन में करता हूँ तो मैं बैठा हूँ सामने कैमरा लगाया और यही मैंने करके वीडियो लगा दी वो फेसबुक पर लगाई थी वो बड़ी दोस्तों ने बड़ी पसंद है बड़ी वायरल हुई वो मैंने इसलिए किया था ये कि जो लोग देखना चाहते हैं एक्टिंग से रिलेटेड किस तरह वर्सटैलिटी होती है वर्सेटाइल आप किस तरह कर सकते हैं कुछ लाइंस को चीज़ों को तो इसलिए बनाई थी

लाइन को लाइन को छोड़ दें आप लाइन एक फनी है आज आप पप्पी दे दे ठीक है दो तरफ बोल के दिखा दें यहाँ पे नहीं ये ये आप ना करवाएं ये, आप... ये तो आठ है वो आठ पड़ा हुआ है अब आपने देखिए आपने लैपटॉप खोल के दिखा भी दिया है कि आप ये तो इससे बेहतर ये यहाँ पर मैं कुछ दिखाऊँ तो आप जाके वहां पे देखे आप एडमिट कर बिल्कुल नजर आई एंड आई वॉज एक्सडो एक्सप्रेशन दी है um, Potter, जी। बुक भी course, आपने. क्या फेवरेट पार्ट है आपका उसमें से मैंने की बुक नहीं पढ़ी ये तो ना जुर्म होना चाहिए आप लोगों ने मूवी बना दी मैं, मैंने, उस बुक, उस पे... मैंने बुक नहीं पढ़ी क्यूँकी हमने एक अपनी स्टोरी <laughs> <laughs> मैं, मैं, <laughs> मैंने नहीं पढ़ी ना मैं, <laughs> मैं हेलीकॉप्टर फैन हूँ ठीक है

कोई दस मिनट की आ, वीडियो बनाई थी उन्होंने आ, हैरी पॉटर पे शॉर्ट मूवी को बनाई हुई थी तो हमने कहा यार कुछ डिफरेंट करते हैं हमारे यहाँ पर कभी एशिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी तो हमारे पास टीम भी पूरी थी बड़े क्रिएटिव लोग भी थे वी का भी हमारा एक दोस्त था और सारे हम इकट्ठे होते थे ख्याली प्रोडक्शन था तो फिर हमने बैठे बैठे आ, क्या कहते हैं शुरू किया उस पर काम हमने सोचा नहीं था कि एक पूरी मूवी बन जाएगी हमने सोचा था कि यार 10-15 मिनट की हम कोई डिफरेंट चीज़ बनाएंगे

तो वो यही किया हमने कि इसके बाद कुछ का करना चाहिए कि आफ्टर हैरी पॉटर क्या हुआ वॉल्यूम 8 के बाद क्या हुआ ये वाली एक स्टोरी इसकी कॉपी नहीं है उसकी कॉपी नहीं ऑफ कोर्स आई अंडरस्टूड कि ये कॉपी नहीं है इट्स तो अ डिफरेंट एक स्टोरी लाइन है एक उसमें से उस इंस्पायर मतलब उस सेटिंग और उस चीज को लेके आपने किया बट व्हाई हैरी पॉटर जब आपने हैरी पॉटर आप देखें ना इस तरह का एक एक चीज है कि आ, हर बंदे नहीं तकरीबन देखी हुई है और वो उस चीज़ से गुजरा हुआ जिसने हैरी पॉटर फैन रहा हुआ है हर बंदा इसी तरह हमारे ग्रुप के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग थे जिन्होंने देखा हुआ था और वो कहते थे कि अच्छा यार कोई डिफरेंट हो तो फिर इसी तरह का कोई कुछ जादुई दुनिया में जाते हैं हम तो फिर हमें यही लगा कि इसके ऊपर ही काम करना चाहिए तो हमें बड़ा इंस्पायर भी उन्होंने किया कि जो जमर्स ने बनाई थी

बस अब आप फ़ायदा उठाएं अपने कैप्टन फरुख होने का और ट्विटर पे ड्राइव स्टार्ट करें ताकि उनको भी पता चले कि ये एक चीज़ क्रिएट की गई है एंड बिकॉज वो जितनी मैंने देखी है क्योंकि मैंने मूवी तो नहीं देखी बट मैंने क्लिप्स कहीं ना कहीं जो लोग पोस्ट कर रहे होते हैं कभी कभी या आप लोगों ने जो ट्रेलर डाला था शायद उन तक चीज़ पहुंच चुकी होगी

फिर इसी तरह का तो इसे कंटिन्यू करने का इरादा है उसका पार्ट पार्ट नहीं, नहीं। आ, जो बनाई है वो बन चुकी है वो स्टूडेंट लाइफ पे भी बनी है मत, मतलब कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वीकेंड्स पे भी हम काम करते थे और बच्चों को लेते थे और इस्तेमाल कर लेते थे, थे चीज़ें तो फिर यही हुआ कि उस दौरान ही बनी है लेकिन अब वो ये है कि उसको अच्छे तरीके से हम लॉन्च करेंगे इनशाला कैप्टन फ़ारूक के कैरेक्टर को आपने किया बहुत अप्रिसिएशन भी मिली बट यू डू नो कि आपने बड़ा मुश्किल काम कर लिया है स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए आपके अपने लिए आगे स्क्रिप्ट चूज करना बहुत चैलेंज होगा आर यू फेसिंग दैट चैलेंज राइट नाउ मैं फेस uh, कर रहा हूं मतलब hmm. के फेस द सेंस के मैंने uh, हमेशा से यही सोचा कि uh, अच्छा काम करना है। hmm. वो थोड़ा कर लो अच्छा कर लो बस मेरी वो सोच है hmm. और आप जब कोशिश करते हो uh, खुदा पे आपका स्ट्रांग फेथ होता है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह में बड़ा भरोसा है hmm. काम उसने देना है वो वसीला बनाता है लोगों को काम उसने देना मेरा उस पर बड़ा ईमान और मैंने उसी में फेंका हुआ जिस तरह वो मुझे यहाँ पर ले आया इसी तरह आगे भी ले जाएगा तो कोशिश जारी रहेगी मेहनत तो जारी रहेगी और ये वही चीज़ है कि मेहनत और कोशिश जो है ये कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है कि आप जितनी करते जाएं जितनी करते जाए उतना ही आपको फ़ायदा है तो बाकी

और आ, मतलब जिस तरह के रिव्यूज़ आप दे रहे होते हैं प्रॉपर डिटेल काम करते हैं तो आप लोगों को सलाम है <laughs> नहीं नहीं इतना अच्छा जब कोई परफॉर्म करता है तो फिर दिल भी चाहता है कि आप तारीफ़ करें और हमें भी अच्छा लगता है इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही होती है और नए चेहरे सामने आते हैं तो चलिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच रमच